आप देख रहे हैं एम्स समाचार, मैं उषेक मुख्तार। अभी हम मौजूद है बीड़ बाईपास रेलवे स्टेशन औरंगाबाद। यहाँ के जो गैरेज वाले हैं, इससे पहले हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ डाली थी गैरेज बनती, आज जो है प्रशासन ने गैरेज खोलने की इजाज़त दे दी। तो यहाँ के जो लोग हैं, मैकेनिक लोग हैं, गैरेज वाले बहुत खुश है। कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब अस्तिक कुमार पांडे साहब को भी दुआएं दे रहे, आए जानते हैं हम इनसे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम पुलिस कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और कलेक्टर साहब का भी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो मैकेनिक लोगों की जो आवाज़ है उन्होंने सुने, उन्होंने परेशानी को समझे, हमारा जो उन्होंने निर्णय लिया कि ये चालू करो बोल के उन्होंने ये करे। और उसके अलावा और MCN न्यूज़ वाले जो है तो उन्होंने भी हमारी आवाज़ जो उन्होंने तक पहुँचाए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम। ये जो निर्णय लिए है शासन ने, इसके लिए हम इन कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी आवाज़ को MCN वाले इन्होंने पहुंचाया प्रशासन तक, तो इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। MCN न्यूज़ चैनल वालों का भी शुक्रिया अदा कर, ये चालू हो गया, चालू होने के बाद जो है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका जो MCN वाले भी काम करे, हमारा जो हमारी आवाज़ जो ले जाके पहुँचाए उन्होंने प्रशासन तक, और हमारे कलेक्टर साहब और हमारे कमिश्नर साहब और हमारे नाम महानगर पालिका साहब, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमारे जो कारोबार जो बंद पड़े हुए थे तो वो हमारा सब गैरेज वैरेज पूरा एकदम से पूरा खुला हो गया और हमारा सब कारोबार समझो अभी यहाँ से अच्छा चालू हो गया। MCN समाचार का भी हम शुक्रिया अदा करते साहब। प्रशासन से यही कहना है हमारा कि बहुत बहुत उनका शुक्रिया, गैरेज जो है दोनों ने चालू कर दिए। रोड पर जो ड्राइवरों को वो परेशानी हो रही थी, वो परेशानी अब कम हो गई। तो रोड पर दो दो दिन गाड़ियाँ तो अटक के बैठे थे, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी गैरेज खुल गई, अब क्या कहना चाहिए गैरेज? सबसे पहले तो हम MCN वालों का धन्यवाद देते और हम इनके लिए कलेक्टर साहब और कमिश्नर का भी जो बहुत है शुक्रगुजार है उनके, तो इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, क्या कहना चाहेंगे? आपके अभी खुश है आप लोग गैरेज? पहले हम तो सबसे पहले अस्तिक कुमार साहब पांडे साहब का भी शुक्र अदा कर सकते। जो लोग परेशान थे गाड़ी वाले, वो हमको जो फ़ोन कर रहे थे दो दो तीन दिन से, हमने उनका काम करके दिए, वो भी हमारा शुक्र अदा कर रहे हैं। इसलिए कलेक्टर साहब सुनील चौहान साहब का भी हम शुक्र अदा करते हैं। MCN वालों ने जिन्होंने हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए, हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब तो दुकान शॉप सब खुल चुकी है। ये गैरेज वगैरह चालू झाल्यामुळे ड्राइवर लोकांना अडचणी आली, रस्त्यामध्ये उपासमार होऊ लागली होती, गाड़ी वगैरह फेल झाली, तर पण ये गैरेज वगैरह चालू ठेवलं पाहिजे म्हणजे आम्हाला भी उपासमार होणार नाही आणि गॅरेजवाल्यांना सुद्धा उपासमार होणार नाही। आम्ही सरकारला याची रिक्वेस्ट करतो आणि गॅरेज वगैरे चालू ठेवा ही विनंती ही करतो। MCN वाल्यांचा धन्यवाद। प्रशासन का जो फैसला आया है इससे हम बहुत खुश हैं। ये जो दिक्कतें जा रही थी गैरेजों वालों को और ट्रक चलाने वालों को बहुत दिक्कत जा रही थी, क्योंकि गैरेज वालों की दिक्कत इसलिए जा रही थी खाने पीने के लिए नहीं था घर पर, बेचारे गरीब आदमी किराए से रहते हैं और ट्रक वाले दूर दूर से आते हैं हमारे शहर में अशिया लेकर, लेकिन उनको बहुत परेशानी जा रही थी। ट्रक ख़राब हो गया, पंचर हो गया, ये कुछ सामान ही नहीं मिल रहा था ऑटो विन से, इसकी दुकान पे कुछ सामान नहीं मिल रहा था, दुकान बंद थी स्पेयर पार्ट की दुकान पे। अभी ये सब जो खुली है हमें बहुत अच्छा लगा है, प्रशासन ने हमारी आवाज़ को सुने, हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हाथ जोड़कर। MCN न्यूज़ वाले, इन्होंने हमारी गरीब जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाई, हम महानगर पालिका वालों का, कलेक्टर साहब का और जितने भी दीगर मंत्री है सबसे जो है तो हाथ जोड़ के अनुरोध है, बस ऐसी हमारी मदद करते रहा करो ताकि आपको दुआ मिले। मैं कमिश्नर साहब और जो अधिकारी जो भी है कॉरपोरेशन के बड़े अधिकारी, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है तो ऑटो स्पेयर पार्ट्स की वगैरह दुकान, टायर की दुकान, जो भी रोड पर चलने वाली दिक्कत की जो भी चीज़ें थी सब चालू कराए। MCN न्यूज़ समाचार वाले जो भी है उनकी टीम जो है बहुत अच्छा काम करी है, आगे तक जो है तो प्रशासन तक हमारी आवाज़ ले आके बड़े अधिकारी तक पहुँचा है। उन्होंने डिसीजन भी अच्छा दिया है कि भाई दुकान वगैरह खोल दो, जो भी परेशानी की जो भी दिक्कत थी वो अलहमदिल्ला सब खुल गई है और आपको उनको बड़े अधिकारी को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जो है हमने बीड़ बाईपास रेलवे स्टेशन औरंगाबाद पे जो है आए थे, यहाँ पे यहाँ मैकेनिक लोग से जो है हमने बातचीत करी। ये जो मैकेनिक लोग जो है और गैरेज वाले लोग हैं, ये जो है तहे दिल से जो है दुआएं दे रहे हैं कलेक्टर साहब अस्तिक कुमार पांडे साहब और कमिश्नर साहब को, जो है बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं उनको कि उन्होंने जो है हमारे बारे में सोचा है। और ये जो है इनका ये भी कहना है कि भाई जो निर्णय लिया गया हमारे वास्ते बहुत अच्छा हुआ निर्णय, ये निर्णय आगे भी ऐसे रहने दीजिए।
कैमरामैन शहीद इतेशाम के साथ मैं उशक मुख्तार, आप देखते रहिए हमसे समाचार।